है केजरीवाल सरकार के झूठे वादों का अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाना है। अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान जारी है। आज दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कृष्णानगर विधानसभा में पोल खोल कार्यक्रम में शामिल हुए और घर घर जाकर केजरीवाल सरकार की विफलताओं को लोगों को बताया। इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह प्रभारी डॉक्टर अनिल गोयल, शाहदरा जिला बीजेपी अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा के अलावा पूर्व मेयर नीमा भगत, पूर्व पार्षद संदीप कुमार, स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल सरकार का कार्यकाल 7 साल झूठ वादिये के नाम रहा है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली के घरों में जाकर केजरीवाल के झूठे वादों के बारे में बताया जा रहा है। दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ है, दिल्ली सरकार ने सिर्फ झूठ बोला है। अरविंद केजरीवाल सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली से बाहर जाकर कहते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे लाइट रहती है, जिसकी वजह से दिल्ली में इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई है, जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली में जगह जगह इन्वर्टर की दुकानें खुली है। केजरीवाल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 12 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, लेकिन सिर्फ 440 लोगों को दिल्ली सरकार ने नौकरी दी है। उन्होंने 20 अस्पताल बनाने की बात कही थी, लेकिन एक भी नया अस्पताल नहीं बना है। दिल्ली विधानसभा में वादा करके केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को लागू किया, यमुना सफाई का वादा भी पूरा नहीं हुआ, विधवाओं और वृद्ध को पेंशन भी नहीं दी गई। अनिल गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर खेल रही है। बीजेपी की तरफ से पोल खोल अभियान चलाकर दिल्ली के लोगों को बताया जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के झूठे वादों से सतर्क रहे। अरविंद केजरीवाल के 7 साल झूठे वादों के नाम है। भारतीय जनता पार्टी जब हम घर घर जा रहे हैं दिल्ली के 25 लाख से अधिक घरों में, हम दरवाज़ा खटखटाकर पोल खोल अभियान में दिल्ली के सरकार के झूठे वादों के बारे में बताते हैं। दिल्ली की जनता हमारे साथ है और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हर दम झूठ बोला है, उन्होंने कहा 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे लेकिन मात्र 440 लोगों को ही नौकरी दे पाए। उन्होंने कहा 20 नए हॉस्पिटल बनाएंगे लेकिन एक भी नया अस्पताल दिल्ली में नहीं बनाया, बल्कि 5 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, जिसको विधानसभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने वादा करके दिल्ली वालों को लागू नहीं किया। इसी तरह उन्होंने यमुना सफाई का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। दिल्ली में कोरोना के समय किराएदारों को किराए देने की बात कही थी, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। बुजुर्गों की पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, वो पेंशन भी उन्होंने नहीं दी, बढ़ाई नहीं। और इस तरह उन्होंने दिल्ली को शराब नगरी बनाने, दिल्ली को दंगों की राजधानी बनाने के लिए जो काम किया है, इसकी झूठ की पोल खोलने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की जनता को अब ये समझ में आ गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का एकमात्र राजनीतिक एजेंडा है, उनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। तभी वो केरल में जाके कहते हैं दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, यहाँ इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं। लेकिन आज मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, कितनी इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, ये सच्चाई लोगों को पता है? कितने घंटे बिजली की कटौती हो रही है, कितनी पानी की कमी है, स्वच्छ पानी की कमी है, गंदा पानी आकर आता है, लोग बीमार होते हैं। ये सारे पोल खोल अभियान दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार की पोल खुल चुकी है और उनके झूठे वादों को, उनकी झूठ को घर घर, उनके झूठ को घर तक पहुंचाना है और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। दिल्ली की जनता जो 7 साल से ठगी जा रही है, उसके सामने दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार की पोल खोलने का अभियान दिल्ली भाजपा चला रही है, जिसमें अभी हमारे माननीय आदेश गुप्ता जी यहाँ अभी आने वाले हैं और जनसंपर्क अभियान करेंगे। विषय ये है कि दिल्ली की जनता को जो चोरी डकैती उसके साथ, उसके वोट के साथ हुई है, उसको खोलने आ रहे हैं। क्या 12 लाख नौकरी मिली? वादा किया था 7 साल पहले। क्या हर जल नल से जल आया? वादा किया था 7 साल में, 6 बार हो गया, 5 चुनावों में 6 बार हो गया। क्या स्कूल खुले? 500 स्कूल खोलने थे, 20 अस्पताल बनाने थे। क्या अराजक तत्वों की कमी हुई? या नॉर्थ ईस्ट में दंगे होते हैं तो आम पार्टी के पार्षद पकड़े जाते हैं। किस प्रकार से किराएदार को नौकरी देंगे, किराएदार को पैसा देंगे? ये अभी कोरोना काल में क्या क्या उनको किराएदार को अपना किराया मिला? कुछ भी नहीं मिला।
तो ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना जल है, ना यमुना साफ हुई। तो ऐसी सरकार की पोल खोलने, जनता की आंख खोलने के लिए, जनता को सतर्क करने के लिए कि आगे से ऐसे कौन मैन से सावधान रहें, आज ये प्रोग्राम है जिसमें हमारे पूरे कृष्णानगर विधानसभा गीता नगर गीता कॉलोनी मंडल के लोग हैं, हमारी पार्षदा है, पूर्व पार्षदा है, दीपक जी हैं, नीमा जी हैं, अध्यक्ष हैं, यहाँ के बस भी निकाली गई है केजरीवाल की तरफ बसेस एक हफ्ते के लिए एक जो है बसेस की सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11,000 बस होनी चाहिए, इनकी सरकारी बसें 3,799% आज की हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है ओवर एज है, 50% स्क्रैप है स्क्रैप, और जो बाकी है क्लस्टर बस है प्राइवेट बस, जिस प्राइवेट बस को पैसा देती दिल्ली सरकार और इसीलिए वो घाटे में डीटीसी है कितना 57,000 करोड़ रुपए, उसकी पोल खोलने भी आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।